हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आंवला नवमी, अक्षय नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ जी को आंवले वृक्ष के नीचे बैठा करके भोजन कराया था। तो इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन बनाते हैं और परिवार सहित ग्रहण किया जाता है तो बहुत ही शुभ रहता है। तो भक्तों, जहाँ पर आपने ये पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें, गेरू से लीप लें या गाय के गोबर से लीप लें और आप अपने गमले को अच्छी प्रकार से सजा लें। यदि आप लाल मिट्टी से नहीं लीप सकते हैं तो आप यहाँ पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा भी लपेट सकते हैं। आंवला जो मैंने गमले में लगाया हुआ है तो इस प्रकार से आप भी लगा लें। आंवले का जो वृक्ष है ये आपको नर्सरी में मिल जाता है, आप ला करके भी पूजन कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से सजा लें, क्योंकि हम जब अच्छी प्रकार से सजाते हैं तो भगवान हमारी ओर, हमारी पूजा की ओर शीघ्र ही आकर्षित होते हैं। पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। भक्तों, जो ये विधि है मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ। जो भक्तों आप घर पर भी बहुत ही सरल विधि से आंवले वृक्ष का पौधा लगा करके पूजा कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आपके आसपास लगा हो या किसी मंदिर आदि में आंवले का वृक्ष लगा हो वहां जाकर भी सेम इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आटे से भी टिकियां लगा दी हैं और इस गमले को मैं यहाँ इस चौक पर स्थापित कर दूंगी। इस प्रकार से आप भी सजा लें। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ तिलक भी लगा लिया है। फूलों का आसन देते हुए हम यहाँ पर दीपक स्थापित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तिली के तेल का दीपक बनाया है, आप चाहें तो देसी घी का भी दीपक बना सकते हैं। मैंने फूलों का आसन दिया है, आप चाहें तो सफेद तिली का भी आसन दे सकते हैं। और हम करेंगे यहाँ पर स्थापना भगवान विष्णु जी की और साथ में भगवान भोलेनाथ की। इस प्रकार से हम इनका पूजन करेंगे। भक्तों, आंवले वृक्ष के अंदर माता महालक्ष्मी जी का और श्री हरि भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तो इसलिए अक्षय नवमी के दिन यानी आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष का विशेष रूप से पूजा की जाती है। गणेश जी का ध्यान करते हुए, भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, धूप भी प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु जी का और भोलेनाथ जी का और आंवला वृक्ष का हम जल से अभिषेक करेंगे और मंत्र का जाप जरूर करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद हम यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। आप चाहे तो आज के दिन पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। आंवला नवमी के दिन 8 या 108 अंक का विशेष महत्व रहता है। आप यहाँ पर 108 टिकियां भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने गमले को सजाया है। तो आप इस प्रकार से शुद्धोदक स्नान करा दें, क्योंकि हमने गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराया है। उसके बाद शुद्धोदक स्नान करा देंगे सभी को और उसके बाद हम इत्र लगा लेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे भगवान विष्णु जी को, भगवान भोलेनाथ जी को। तो इस प्रकार से हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और मैं यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर रही हूँ, सभी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से मैंने आपको ऑप्शन भी बता दूंगी, जैसे कि अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कच्चे धागे को 7 बार लपेट करके जनेऊ का भाव करते हुए भी पहना सकते हैं और आंवला वृक्ष को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से गांठ लगा देंगे, बांध देंगे। तो भक्तों, आप ये सामग्री की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं सामग्री क्या क्या लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी को, भगवान विष्णु जी को और आंवला वृक्ष को चंदन से टीका लगा देंगे। इस प्रकार से भक्तों, जो पूजन सामग्री का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा है। आप
अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की और विष्णु जी की अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप खाली आंवले का वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं इनकी स्थापना किए बिना भी। उसके बाद हम यहाँ पर हल्दी को घोल लेंगे और इस प्रकार से अच्छे से 10 उंगलियों को हम जैसे डिप करेंगे तो 10 बार टिकेंगे तो ये हमारी 100 हो जाएंगी। तो हमें 100 टिकियां यहाँ पर लगा लेनी है आंवले के पौधे में। तो भक्तों इसके बाद जो उंगलियां हैं डिप करके 100 बार लगाएंगे तो 100 हो जाएंगी, 10 बार लगाएंगे। उसके बाद में चार चार उंगलियां डिप करके लगाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे, टोटल 108 टिकियां हो जाएंगी। इस प्रकार से हो सके तो आप लगा लें। अगर आपका पौधा बहुत ही छोटा है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें प्रेम पूर्वक लगाना है। भक्तों ये बहुत ही सरल सिंपल पूजा है, आप घर पर इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तिलक लगाने के बाद हम यहाँ पर अक्षत अर्पित करेंगे, अक्षत यानी तिली, क्योंकि आंवला एकादशी है तो एकादशी में चावल प्रयोग नहीं किए जाते हैं तो आप सफेद तिली का ही यूज करें और दीपक का भी पूजन साथ में करते हुए चलेंगे। और जो भी पुष्प हो आपके पास उपलब्ध हो आप वो सभी को अर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ को लाल फूल अर्पित कर देंगे, विष्णु भगवान जी को हम यहाँ पर पीले फूल अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास फूल हो आप जरूर से अर्पित करें और बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को और भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। तो हो सके तो पीले रंग का अधिक से अधिक इस पूजन में प्रयोग करें, और नहीं तो जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप उस फूल से अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। और बताशे का भोग जरूर से लगाएं, बताशा बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से हम बताशे का भोग भी लगा देंगे। जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आप भोग लगा दें। यदि आपको केला मिल जाता है तो आप केले का भोग भगवान विष्णु को जरूर से लगाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को केला अति प्रिय होता है। और आज के दिन आंवला जरूर से अर्पित करें, क्योंकि आज के दिन आंवला दान भी किया जाता है। और इस प्रकार से हम भोग में अर्पित कर देंगे और साथ में हम 8 जो इसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। इस प्रकार से भक्तों ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से जाप करेंगे। और उसके बाद हम हाथ में 8 आंवले ले लेंगे, उसके बाद में 8 या 108 परिक्रमा लगाएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप 8 या 108 परिक्रमा लगाएं। लगाते हुए हमेशा माता भगवान शिव जी के और भगवान माता लक्ष्मी जी का भी ध्यान करते हुए आप चरण स्पर्श करते रहें, और जब आपकी 8 परिक्रमा पूरी हो जाए तो हाथ जोड़ दें। इस प्रकार से भक्तों बहुत ही शुभ रहता है अक्षय नवमी के दिन। या आप ये पूजन सुबह सवेरे स्नान आदि कार्य से निवृत्त होने के बाद कर सकते हैं, या जब भी आपके पास समय मिले आप इस पूजन को जरूर से करें तो बहुत ही शुभ रहता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का, भगवान विष्णु जी का, लक्ष्मी जी की आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि और धन संपदा भरी रहती है। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ जी को और भगवान विष्णु जी को सभी को यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को केसरिया और भगवान विष्णु जी को पीला। यदि आपके पास इन दोनों में से नहीं है तो आप बिना वस्त्र के भी पूजन कर सकते हैं, आप एक रुमाल भी रख करके पूजन कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो आप वस्त्र भी अर्पित करें, कुछ दक्षिणा जरूर से अर्पित करें। इस प्रकार से हमें यह करना होता है पूजा। और भक्तों इसके बाद हमें यहीं पर बैठ करके हाथ में अक्षत यानी सफेद तिली लेकर के, पुष्प लेकर के आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। आंवला नवमी के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन जरूर से कराएं, दान दक्षिणा जरूर से देना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। तो आंवला नवमी की कथा कि वीडियो मैंने अलग कर दी है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है तो मैंने वीडियो अलग कर दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद में हम अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और यहाँ पर जल का भोग भी लगाएंगे। तो मैंने लोटे पर तिल और चंदन रोली से तिलक कर लिया है, भोग भी अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ करेंगे जो हमने दीपक प्रज्वलित किया था उसी से आरती कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको आरती आती हो गा करके भगवान जी की आरती उतार सकते हैं, बहुत ही सरल है। भक्तों ये पूजा अगर दिन में कर रहे हैं तो जो जल का लोटा है वो सूर्य देव को अर्घ्य दे दे। यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो शाम के समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं या फिर किसी पौधे आदि में डाल सकते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। और ये भोग प्रसाद हम जब
पूजा संपूर्ण हो जाती है उसके 5-10 मिनट के बाद हम यहाँ से भोग प्रसाद परिवारजन में बांट लेते हैं। आंवले का दान किया जाता है और जो वस्त्र रखा है वो भी हम दान करेंगे। इन चीजों को हम सभी को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं और दक्षिणा निकालने से जो हमारे में पूजा में कमी बेसी रहती है वो पूरी हो जाती है। और भक्तों आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाना और भोजन ब्राह्मणों को कराना, स्वयं भी ग्रहण करना भोजन बहुत ही शुभ रहता है। यदि आप बड़े वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे हैं तो इस प्रकार घर पर ही आंवले वृक्ष की पूजा करें और यहीं पर बैठ करके कुछ ना कुछ प्रसाद ग्रहण करें, बनाएं। आज के दिन किया गया दान पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता, वो अक्षय होता है, क्योंकि ये अक्षय नवमी है। जिस प्रकार अक्षय तृतीया होती है उसी प्रकार से अक्षय नवमी है, तो इसे जरूर इस प्रकार से आंवले वृक्ष का पूजन करना चाहिए। हो सके तो आप आंवले के पास श्री हरि और भगवान विष्णु जी का और भगवान भोलेनाथ का, माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें, नहीं तो आप बस उनका ध्यान करके भी इस आंवले वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह पूजा करनी होती है। अब ये तो हो गया भोग प्रसाद, आप परिवार सहित ग्रहण करें और आंवला और वस्त्र दान दक्षिणा दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य रूप से लिखें। राधे राधे भक्तों।